एक बहुत ही सुंदर सुविचार है, व्हेन यू स्ट्रेच यू ग्रो, यानी जब आप अपनी अपनी लिमिट्स को एक्सपैंड करते हैं, उनको क्रॉस करते हैं, तो फिर आपकी क्या नई लिमिट्स बनती है, उनको क्रॉस करते हैं नई लिमिट्स बनती है। कहने का मतलब है वी डू नॉट हैव एनी लिमिट्स, हमारी कोई लिमिट्स नहीं होती है, हमारे माइंड में होता है कि यार मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके आगे नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो, आपका माइंड जो जो थिंकिंग है आपकी वो ब्रॉडन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका माइंड में हो सकता है कि यार मैं जो सूर्य नमस्कार है वो मैं से 7 ही कर सकता हूँ, 10 ही कर सकता हूँ, है ना। तो आप अपना गोल बनाइए कि नहीं, आज मुझे कम से कम जो सूर्य नमस्कार है वो 15 करने हैं। और एक बार आप 15 कर लेंगे ना, तो आप रेगुलरली जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसके भी आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार आपका माइंड एक्सपैंड हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक बार आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 25, 51 ऐसे बढ़ा सकते हैं आप, है ना। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप, एक बार इस लिमिट को क्रॉस कर लेंगे ना, तो आपकी मेंटल लिमिट हट जाएगी, और जैसे माइंड से लिमिट हटेगी आप आगे उस और उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और इसमें क्या रहता है, मज़ा रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ देखते हैं मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, है ना, कहाँ तक अपनी लिमिट को क्या कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये ट्राई कीजिए किसी भी एक एरिया में, फिटनेस में ले सकते हैं, पढ़ाई में ले सकते हैं। अगर पढ़ाई में आपका है कि मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ या इतनी देर पढ़ सकता हूँ, तो कोशिश कीजिए एक बार उससे ज़्यादा पढ़िए, अपनी एक्सपेक्टेशन को एक बार क्रॉस करिए, अपनी मेंटल लिमिट को एक बार क्रॉस करिए। और जैसे ही आप उसको एक बार क्रॉस करेंगे, आपकी लिमिट्स जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। हो सकता है आपके माइंड में मैं अकेला कहीं नहीं घूम सकती या घूम सकता, है ना। तो उसको एक बार क्रॉस करिए, जो भी आपको लगता है कि आई कैनॉट डू इट, है ना, जो नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उसी को कीजिए। क्योंकि इसी से आपकी क्या होगी, आपकी लिमिट जो है वो एक्सपैंड होगी, आपका जो ब्रॉडन होगा, थिंकिंग जो है वो ब्रॉडन होगा।